goals. Goals of SGP. क्या क्या गोल्स थे? नंबर फर्स्ट गोल, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई 20,000 to 25,000 जीन्स. यहाँ पे एनालाइज करना था करीबन 20,000 to 25,000 जीन्स को एनालाइज करना था. इसका पहला नंबर जो सेकंड यहाँ पे था वो था यहाँ पे कि इसके अंदर डाटा एनालिसिस को और ज्यादा इजी बनाना. ह्यूज डाटा एनालिसिस, इतने सारे डाटा को एनालिसिस करना, थर्ड इसके अंदर था वो था यहाँ पे ये इसका नाम होता है एथिकल लीगल सोशल इशू. एथिकल लीगल सोशल इशू, देखो इसके वजह से बहुत सारे हम यहां पे क्या कर सकते हैं. एथिकल का मतलब होता है इसके वजह से हम यहां पे वुमेन डायस्पोरा पढ़ सकते हैं. वुमेन डायस्पोरा का मतलब होता है हम यहाँ पे पढ़ पाएंगे इसकी वजह से कि वुमेन का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है, वुमेन किसके साथ लिंक है, यानी वुमेन की जितनी भी एथनिटी मिलती है सर वर्ल्ड के अंदर वो कैसे कैसे जुड़ी हुई है, वुमेन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसी की चीज़ें हम पढ़ पाएंगे. और इसी वजह से हमें बहुत सारे लीगल एक्शन है लाइक DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, यानी हम जो डिस्प्यूट्स होते हैं पैटर्नल डिस्प्यूट्स होते हैं, अगर कोई बच्चे पे कॉमन क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चा मेरा है, दो पेरेंट क्लेम कर रहे हैं, तो इस DNA फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू या अदर पर्सन के थ्रू इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर पाएंगे. इसी वजह से हमारी जो तो पेडिग्री एनालिसिस है उसको आसान बना देंगे. इस तरह के जो इशू है उनको निपटना भी इसका काम था इसे गोल से SGP के. फोर्थ नंबर यहाँ पे आएगा कि इसके अंदर जो टेक्निक्स थी उसको अदर सेक्टर में ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, ट्रांसफर SGP डाटा इन इन फार्मा सेक्टर. जो SGP डाटा था वो फार्मा सेक्टर, फार्मा मतलब फार्मास्यूटिकल, यानी जो मेडिसिन स्टडी करते हैं उन सेक्टर के अंदर डाटा को ट्रांसफर करना, ये से कुछ गोल्स थे यहाँ पे जो हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर इसके बारे में स्टडी करते हैं. अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो किसी का पूछ सकते हो. देखो मेथडोलॉजी क्या होती है, मेथडोलॉजी में हम डाटा एनालिसिस स्टडी करते हैं, तो ये होती मेथडोलॉजी. मेथडोलॉजी के अंदर दो तरह के सीक्वेंस स्टडी होती हैं, एक होता है ESP और एक होता है एनोटेशन टैग. एनोटेशन टैग और इसका मतलब होता है सीक्वेंसिंग यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और एनोटेशन टैग, तो ये दो ब्रांचेस थी इसके मेथोडोलॉजी में. ESTM क्या किया गया था,
ईएसटी के अंदर ओनली ओनली स्टडी ओनली स्टडी ऑफ, हम इसमें सिर्फ स्टडी करते हैं, ओनली स्टडी ऑफ ऑफ कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड विथ कोड फॉर आरएनए, फॉर आरएनए, ये इस स्टैंड में सिर्फ हम उसी स्टैंड को स्टडी करते हैं जो किसके लिए कोड हो रहा है, आरएनए के लिए, जिसे आप बोलते हो सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए आपने क्वेश्चन पूछा था वही क्वेश्चन है सेम। तो यानी आप इसके अंदर क्या कर रहे थे, सिर्फ कोडिंग स्टैंड को स्टडी करना था आपको यहां पे, ऑफ बोथ या स्टडी ऑफ बोथ डीएनए, इसमें पूरे डीएनए की स्टडी करते हैं, यानी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस, एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस हम यहाँ पे दो दो स्टैंड स्टडी करेंगे, एक होता कोडिंग दूसरा होता नॉन कोडिंग स्टैंड, एक स्टडी करेंगे यानी कोडिंग की भी और नॉन कोडिंग की, यानी कि दोनों को स्टडी करेंगे। इसे हम कहते हैं यहाँ पे एनोटेशन टैग, और इसे कहते हैं ईएसटी, यानी ईएसटी के अंदर सिर्फ कोडिंग स्टैंड, यानी ओनली जो स्टैंड आरएनए के रिकॉर्ड करता है सिर्फ उसी को स्टडी करते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं एंटायर डीएनए स्टडी करते हैं, पूरे डीएनए क्या करते हैं इसमें स्टडी करते हैं। अब इसके अंदर हम लिखेंगे इसके दो प्लाज्मिड बनाए गए थे इन मेथडोलॉजी, टू प्लाज्मिड वेक्टर, वेक्टर वेक्टर का मतलब होता है जो डीएनए को कैरी करके लेके जाता है, जो सीक्वेंस डीएनए को कैरी करेगा उसे कहते हैं वेक्टर। तो ये क्या करता है मेथोडोलॉजी के अंदर टू प्लाज्मिड वेक्टर का यूज किया गया, टू प्लाज्मिड वेक्टर दैट इज बैक, ये कैपिटल में लिखना बैक एंड येक, बैक और येक, बैक का मतलब क्या होता है, बैक होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसका ये होता है येक कम टू द ईस्ट, येक इज द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो ये दो वेक्टर यहां पे यूज किए गए थे, एक था बैक एक था येक, राइट। तो ये था मेथोडोलॉजी के बारे में, और ये क्या काम करते थे बैक और येक, बैक और येक का काम यहां पे ये था कि ये जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए का जो पोर्शन था उसको किसी सेल में स्टडी करने के लिए कैरियर काम करते थे, उसको लेके जाते थे सेल के इनसाइड, तो उस पर्टिकुलर जीन को सेल के अंदर स्टडी करने के लिए उसके एक्शन को, तो ये कैरियर थे बैक और येक। इससे बेस्ट जो था वो यहाँ पे था, बेस्ट यहाँ पे था बैक एज कम्पेयर टू येक, राइट। तो दैट इज अबाउट द मेथोडोलॉजी।